ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार का उपाय बताने वाला हूँ। सामन सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है, उसमें भी सावन का सोमवार हो तो भगवान शिव का यह सबसे प्रिय दिन है। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 3 उंगली भी घुमा देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कैसे घुमानी है ध्यान से सुने। आपको केसर लानी है बाज़ार से, और चंदन में जो घिसने वाला चंदन होता है, सिलबट्टे पर जैसे घिसते हैं, घिस करके आपको चंदन बना करके तैयार कर लेना है। उसमें केसर मिला लेनी है और उसमें आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है। एक बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। और आप शिवलिंग पर देख रहे हैं 3 लकीरें बनी हुई हैं, 3 लकीरें बनी हुई हैं। जब आप भगवान शिव का अभिषेक कर लें, पहले आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में फिर आपको वो चंदन उंगलियों पर, 3 उंगलियों पर वह चंदन लगाना है जो चंदन आपने तैयार किया है। 3 उंगलियों पर चंदन लगा करके और हाथ में बेलपत्र ले लेना है। अब आपको खड़े होकर के भगवान के सामने अपनी इच्छा बोल करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर 3 उंगली आपको शिवलिंग पर घुमा देनी है सीधे हाथ की। इससे 3 लकीरें शिवलिंग पर खिंच जाएंगी, वह त्रिपुंड बनता है जो भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप है तिलक, भगवान इसी प्रकार से लगाते हैं। उसके बाद में बीच में लाल चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ा देनी है और चावल चढ़ा देना है। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना बोलनी है। फिर वहाँ पर सोमवार की कथा का श्रवण करना है। और अगर आप पुष्प ले गए, सफ़ेद आग के जो पुष्प होते हैं, 11 पुष्प या 5 पुष्प ले जा करके भगवान शिव को समर्पित करें। आग के ना मिले तो कमल पुष्प ले लें, कमल पुष्प भी ना मिले तो आप कनेर के पुष्प ले लें, कोई भी पुष्प ले लें और भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उंगलियों पर लगा हुआ चंदन बाकी चंदन में मिक्स कर लें और यह चंदन आप घर पर ले आएँ। ऐसे प्रतिदिन टीका करना है। अब इससे कई कार्य सिद्ध होंगे। आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है तो इस चंदन में से आप अपने माथे पर चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और हल्की सी एक बिंदी आपको पेट पर भी लगानी है महिलाओं को। साथ ही पुरुष के व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो इसका टीका लगाना प्रारंभ कर दीजिए। मस्तक पर इसका टीका लगाने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। सभी राशि वाले यह उपाय करें, बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदोष काल में भगवान के सामने 4 दीपक जलाना है और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है, चंदन का टीका लगाना है, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।